वीडियो में हम लोग शब्दार्थ को देख लेंगे जो हमें फर्स्ट टर्म में करने हैं। तो जिन जिन शब्दों को मैं यहाँ अभी पढ़ूंगी उन्हें आप फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ गगन, आकाश, दृष्टि, नजर, सिंचित, सिंचा हुआ, समता, समानता, वृष्टि, वर्षा, द्वेष, बैर या शत्रुता, ज्वाला, जलता हुआ, आग की लपट, मलय पर्वत से आने वाली हवा, वर्तमान, विद्यमान समय, तुलिका, कूची या ब्रश जिससे रंग करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर वन का फर्स्ट टू टेन शब्दों को ले लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे, यानी बुद्धि और भाग्य वाला जो चैप्टर था उसमें आप आइएगा। इसमें हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर इसमें भी प्रथम 10 शब्द यानी फर्स्ट 10 वर्ड्स को लेना है। तू तू, मैं, कहा सुनी, खड़ाऊं, पादुका, लकड़ी के तल्ले वाला जूता, सौदागर, व्यापारी या व्यवसायी, स्तब्ध, हैरान, जो जड़ या निश्चेष्ट हो गया हो, तुच्छ, हीन, क्षुद्र या हेय, राजदूत, वह दूत जो किसी राज्य या देश से दूसरे राज्य या देश को भेजा जाता है। उसके बाद इधर हम लोग आ जाएंगे, पड़ाव, यात्रा के बीच में कुछ समय के लिए रुकना, जहां यात्री ठहरते हैं, सिल्ली, हथियार की धार तेज करने का पत्थर या पत्थर की पट्टिया, खेमे, तंबू या डेरा, बला, विपत्ति, आफत या मुसीबत। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे दीनू काका में। तो हमारे दीनू काका में शब्द ले लेंगे हम लोग, व्यस्तता, किसी काम में लगना, प्रयास, कोशिश, जीवंतता, सजीवता, रौनक, चमक दमक या शोभा, क्रियाकलाप यानी गतिविधि, अद्भुत, विचित्र या अनोखा, टोली, दल या मंडली, खुरपी, मिट्टी खोदने का औजार। उसके बाद है असमंजस यानी दुविधा, गुर्राते, कर्कश ध्वनि में बोलना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे, माता को पत्र है। तो इसमें यहाँ है सपूत यानी लायक पुत्र, स्वार्थ रहित, स्वयं के हित के बिना या मतलब के बिना, मातृभूमि, जन्मभूमि, न्योछावर, अर्पित या समर्पित, विचलित, अस्थिर या चंचल, दुर्दशा, बुरी दशा, पतित, गिरा हुआ, वंशजो, वंश विशेष में उत्पन्न, तिलांजलि, परित्याग करना, समर्पित, समर्पण किया हुआ। अब और आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे उन्मुक्त, खुले अथवा मुक्त हो जाएगा, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनक तीलियों, सोने की सलाखों, पुलकित, प्रसन्न, कचुक, कड़वी, निबौरी, नीम का फल, कनक कचोरी, सोने की कचोरी, स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर, फुनगी, पेड़ की ऊंची डाल, अरमान, इच्छा या अभिलाषा, यहाँ अरमान तक ही करना है। तो ये हमारा फर्स्ट 10 वर्ड्स यानी पांचों जो चैप्टर हम लोगों ने किया है उसके प्रथम 10 शब्द ऊपर से नीचे के क्रम में लेना है। इसको फर्स्ट टर्म के लिए आप लोग तैयार कीजिएगा। और अब हम लोग का सारा पोर्शन हिंदी 1 और हिंदी 2 का तैयार हो गया है। इसके आधार पर ही सारे वीडियोस देख करके अपने प्रश्नों के उत्तर बना लीजिएगा। इवन कि मैंने निबंध और पत्र को भी दे दिया है, उसी के आधार पे आप लोगों को लिखना है। शब्दार्थ जो बचा हुआ था वो भी इस वीडियो में हो गया। तो अब हम लोग का पोर्शन कंप्लीट है। अगले चैप्टर में, नए टर्म में हम लोग फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी तब तक के लिए हम लोग तैयारी करिएगा एग्ज़ाम की। बाय।